फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय सीमा फूड हट चैनल। तो मैं सीमा सिंह आज मैं बनाने जा रही हूँ पनीर चिली की सब्जी। तो फिर प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। पनीर चिली की सब्जी बहुत ही इजी और क्विक रेसिपी है। तो इसके लिए मैं ले ली हूँ 150 ग्राम पनीर, इसे मैंने क्यूब्स में काट लिया है। 8 लहसुन की कलियाँ ले ली है, इसे मैंने छोटे छोटे टुकड़े में काट लिए हैं। 1 मीडियम साइज की शिमला मिर्च को मैं चंक्स में काट ली हूँ और 1 प्याज को मैं चंक्स में काट ली हूँ और मीडियम साइज के टमाटर थे इसे भी मैं चंक्स में काट ली हूँ और 2 हरी मिर्च की हमने लंबी पतली स्लाइसेस बना ली है। तो मैं गैस पे रख दूंगी अब कढ़ाई और फ्लेम को ऑन करूंगी। अब हमारी कढ़ाई गर्म हो गई है तो मैं इसमें ऑयल डालूंगी। ऑयल हमने 2 बड़े चम्मच इसमें डाले हैं और जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें लहसुन डालेंगे। देखिए हमने इसमें लहसुन डाल दिया, तो लहसुन हल्की हल्की थोड़ी थोड़ी भुन गई है। तो इससे मैं हरी मिर्च डाल दूंगी। देखिए थोड़े से सिजल हो गए हैं, अब ये सिस्टर कर लूंगी। तो अब इसमें प्याज डाल दूंगी, तो इसे थोड़ा स्टर कर ले। तो हमें प्याज ज्यादा नहीं पकाना है, तो 1/2 मिनट पकाने के बाद इसमें सॉस डाल देंगे। तो हमने इसमें 2 बड़े चम्मच इसमें टमाटो सॉस डाला है और इसमें 1 चम्मच सेजवान सॉस डालूंगी। आप चाहे तो इसमें पिज्जा सॉस से भी बना सकते हैं। और इसमें मैं 2 चम्मच इसमें ग्रीन चिली सॉस डाल रही हूँ। अगर आप ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो इसमें रेड चिली सॉस भी डाल सकते हैं। और इसे थोड़ा स्टर कर लेंगे और 2 बड़े चम्मच इसमें मैं डालूंगी डार्क सोया सॉस। तो इस तरह से हमने इसमें 2 चम्मच डाल दिया। अब इसे थोड़ा स्टर करेंगे। देखिए सब आपस में अच्छे से मिल गए हैं। तो अब इसमें डालूंगी शिमला मिर्च और टमाटर। टमाटर की आप सीड्स निकाल कर इसे काटें, नहीं तो ये बहुत ही खट्टी हो जाएगी। तो अब मैं टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक डालूंगी। तो इसमें मैं 1/2 चम्मच नमक डाल रही हूँ, क्योंकि डार्क सोया सॉस में भी नमक होता है, इसलिए हमने इसमें 1/2 चम्मच ही डाला है। और इसे मिक्स कर देंगे। तो सब्जियों को हमें ज़्यादा कुक नहीं करना है, तो इस स्टेज पे मैं डाल दूंगी पनीर। सब्जियों में एक क्रंची बाइट रहनी चाहिए, इसलिए मैंने इसे तुरंत इसमें पनीर ऐड कर दिया है और इस पे सॉस की अच्छी सी कोटिंग आ जाए, इसलिए हमें अच्छे से स्टर कर लेना है। देखिए मैं अच्छे से स्टर कर रही हूँ, सब्जियों में अच्छी सी एक कोटिंग आ गई है। तो इसमें 1/4 चम्मच अब गोल मिर्च पाउडर डालूंगी, इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है इसमें। और मिक्स करेंगे। तो हमने इसे ज़्यादा कुक नहीं करना है, सब्जियों का कलर मेंटेन रहने चाहिए, इसमें एक क्रंची बाइट भी होनी चाहिए। आप चाहे तो पनीर को फ्राई करके भी डाल सकते हैं या फिर शॉर्टे फ्राई भी। तो देखिए हमने जूम करके आपको दिखाया है कितना अच्छा लग रहा है सब्जियों का कलर। तो देखिए लग रही है ना एकदम वाव, बहुत अच्छी कलर आई है सब्जियों की। देखिए और हर सब्जी पे एक सॉस की कोटिंग है, देखिए। तो चाइनीज खाने में लहसुन और डार्क सोया सॉस का बहुत ही अहम रोल होता है, तो इसे आप जरूर डालें, इसे स्किप ना करें। तो देखिए इस तरह से इसे मैं ढककर नहीं पकाऊंगी, इसे हमें मीडियम फ्लेम पे पकाना है। तो सब्जियों से जो मॉइस्चर रिलीज हुई है उसे हमें थिक करने के लिए इसमें मैं डालूंगी कॉर्नफ्लावर। आप चाहे तो अरारोट भी डाल सकते हैं। और इसमें थोड़ा सा पानी मिला दूंगी और इसे मिक्स कर लेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लें और इसे इसमें डाल दें। इससे सब्जियों से जो मॉइस्चर रिलीज होगा, अगर ज़्यादा पकाऊंगी तो ये ओवर कुक हो जाएंगे, इसलिए मैंने इसे थिक करने के लिए इसमें कॉर्नफ्लोर मिला दिया है।
अब इसे अच्छे से मिक्स कर लें। सब्जियों पे एक बहुत अच्छी सी कोटिंग आ जाएगी। तो देखिए इसे बनने में बस 10 से 15 मिनट का ही समय लगता है फ्रेंड्स, बहुत ही इजी और क्विक रेसिपी है। तो देखिए सब्जियों में जो मॉइस्चर रिलीज हुआ था वो बहुत ही अब थिक होकर इस पे अच्छी सी कोटिंग दे रहा है सब्जियों को। देखिए मैंने आपको फिर जूम करके दिखाया है, बहुत अच्छी लग रही है हमारी सब्जी, बहुत ही टेंटिंग लग रही है और इसका फ्लेम मैं ऑफ कर दूंगी और मैं एक बाउल में से निकाल दी हूँ। देखिए सब्जियों का कलर कितना इनहेंस कर रहा है। तो सब्जियों पे सॉस की बहुत अच्छी कोटिंग आई है फ्रेंड्स, आप इसे जरूर ट्राई करें और मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और नीचे मेरा इंस्टाग्राम हैंडल फ्लश हो रहा होगा, आप वहाँ भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।